उत्तर प्रदेश के झांसी से थोड़ी दूर स्थित मिलिट्री कैंट का इलाका बबीना। सुबह की बात थी, आसमान में हल्का कोहरा था, विजिबिलिटी कम थी। इस दौरान लोगों ने देखा कि आसमान से दो बड़े पैराशूट किसी भारी चीज को लेकर जमीन की ओर आ रहे हैं। शुरुआत में लोग थोड़े से घबराए कि अचानक से शांत रहने वाले इस मिलिट्री कैंट में कौन सा मिशन शुरू हो गया, लेकिन जब बाद में पता चला कि ये इसरो के गगनयान मिशन के पैराशूट सिस्टम की टेस्टिंग हो रही थी, तब उन्हें चैन आया। असल में इस तस्वीर में आप जो पैराशूट देख रहे हैं, वही पैराशूट गगनयान के क्रू मॉड्यूल की सुरक्षित लैंडिंग कराएंगे। शुक्रवार यानी 18 नवंबर 2022 को विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के वैज्ञानिकों ने सेना के इस इलाके में गगनयान पैराशूट सिस्टम की जांच की। टेस्टिंग के लिए बबीना फील्ड फायरिंग रेंज को चुना गया था। टेस्ट का नाम था इंटीग्रेटेड मेन पैराशूट एयर ड्रॉप टेस्ट। इस टेस्ट में पैराशूट की ताकत और क्षमता का परीक्षण किया गया, ताकि भविष्य में गगनयान के क्रू मॉड्यूल की लैंडिंग के समय दिक्कत ना हो। ऐसा नहीं है कि गगनयान में सिर्फ यही तीन पैराशूट रहेंगे, लेकिन ये तीनों मुख्य पैराशूट हैं। इसके अलावा इसमें तीन छोटे ACS पैराशूट भी लगाए जाएंगे, ताकि क्रू मॉड्यूल को सही दिशा में लाकर उसकी गति को तय मानकों तक कम किया जा सके। IMAT टेस्ट में ये देखा गया कि अगर एक पैराशूट खराब हो जाता है तो क्या दो पैराशूट मिलकर इस मॉड्यूल को सही सलामत उतार पाएंगे। टेस्ट के दौरान इन पैराशूट की मदद से 5 टन का वजन जमीन पर लैंड कराया गया, यानी ये उतना ही वजन है जितना गगनयान के क्रू मॉड्यूल का है। इस टेस्ट के लिए भारतीय वायुसेना के 76 एयरक्राफ्ट की मदद ली गई थी। पैराशूट को 2.5 किलोमीटर ऊपर से गिराया गया था। ये पूरा टेस्ट सिर्फ 2 से 3 मिनट का था। इस टेस्ट के दौरान इसरो के वैज्ञानिक पूरे समय पैराशूट लैंडिंग के सभी स्टेजेस के डाटा जमा कर रहे थे। ये टेस्ट इसरो, DRDO, इंडियन एयरफोर्स और भारतीय सेना की मदद से पूरा हुआ है। पैराशूट टेस्टिंग के दौरान सभी स्टेजेस ने सही से काम किया।